बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबा पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में, और हमारे साथ मौजूद है मनासा के तेज तर्राट विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी। मारू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन का 42वां दिन है। नीमच जिला ग्रीन जोन में है, अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां नहीं मिला है। इसके पीछे जिला प्रशासन, पुलिस के साथ साथ यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बड़ी मेहनत है, जिन्होंने पिछले 42 दिन में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ काम किया है, लोगों में समझाइश दी है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए माधव मारू जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये 42 दिन में उन्होंने क्या क्या किया और आने वाले दिनों के लिए उनका क्या एक्शन प्लान है। माधव भैया, आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी जिला कलेक्ट्रेट में, इस मीटिंग में क्या खास बात निकल कर सामने आई? आज की बैठक में अभी तक हम जहां पहुंचे उसकी समीक्षा हुई और आगे की रणनीति पे चर्चा हुई कि केंद्र की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा नीमच जिला जो पुराने मंदसौर जिले का एक पार्ट रहा है, लोकसभा क्षेत्र एक ही है हमारा, मंदसौर में कोरोना आया है, हमारे पड़ोस में राजस्थान लगा हुआ है, राजस्थान में निमाड़ा में आया, राजस्थान में सूबी में आया, आज छोटी सादड़ी में भी आ गया, और हमारे पास कोरोना निरंतर आता जा रहा है। और उस दृष्टि से अगर केंद्र ने जो छूट दी है, राज्य सरकार ने जो छूट दी है, अगर हम उसका पालन करने लग जाएं और इस लॉकडाउन में बहुत सारी छूट अगर दे दी गई तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे इस शहर में भी कोरोना आ जाएगा। वैसे कल आपकी वॉइस ऑफ एमपी की खबर थी कि दाहोद में यहाँ से गया हुआ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला, तो हो सकता है वो कोरोना के कुछ बैक्टीरिया यहाँ छोड़ गया हो सकता है उसके परिवार में से कोई पॉजिटिव निकल जाए। तो आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं कि हम ग्रीन हैं, हो सकता है कल हम ग्रीन नहीं रहे, तो फिर छूट देने की बात क्यों, बजाय छूट देने के हम उस पीड़ित व्यक्ति को जिसके साथ रोजगार की दिक्कत है, जिसके घर में भोजन की दिक्कत है, जिसके साथ कोई परेशानी है या और किसी को कोई पास की जरूरत है, किसी को इलाज कराने जाना है, हम उन लोगों की चिंता करें और जो जनता हमारे यहाँ है हम उन लोगों को आश्वस्त करें कि वो बीमार नहीं है, तो उनका स्कैनिंग हो जाए, उनका ऑक्सीमीटर पल्स मीटर से उनकी जाँच हो जाए, तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हम ये काम करें बजाय किसी छूट की बात करने की। सही बात कही माधव भैया, आपकी वैसे भी शोहरत नीमच में इस तरह की है कि नहीं खुलने दूंगा नीमच। पिछली जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग रही है उसमें जिस दमदारी के साथ आपने ये बातें कही जो भी आप कह रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात से हाथ पीछे खींच लिया कि नीमच खोला जाए और सुरक्षा से, दुर्घटना से सुरक्षा भली वाली जिस कहावत पे आप चल रहे हो वो बड़ी अच्छी बात है। तो आगे के लिए क्या एक्शन प्लान है माधव भैया, क्या आने वाले दिनों के लिए लॉकडाउन को लेके क्या एक खाका बनाया है, किस तरह से हम लोग इस ज़िले को रूटीन में लाएंगे? जब तक हम थोड़ी सी सुरक्षा में नहीं आ जाए, हमारे आसपास केस मिलना बंद हो जाए, हमारे यहाँ संभावनाएं ख़त्म हो जाए, तब तक लॉकडाउन में किसी तरह की ढील ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बैठक में मैंने कल परसों अपनी बात कही थी कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं रोजगार पे चर्चा करने के लिए, इकट्ठा नहीं हुए हम लोगों को कैसे सर्वाइव करें, कैसे बचाएं और उनको जीवन उपयोगी सामग्री कैसे वहाँ तक पहुँच जाए उन तक, हम इसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम उसके लिए उपाय करें, न कि हम ये दुकानें खोल दें, वो दुकानें खोल दें, ये रोज़गार चालू कर दें, वो रोज़गार चालू कर दें। हम जिंदा रहे, हम सुरक्षित रहेंगे तो ये सब रोज़गार भी हम फिर से चला लेंगे, सारी व्यवस्थाएं भी फिर से हो जाएगी, और अगर हम बीमारी हो गए, हम ये एक
मरीज मिल गया तो हम सब कर्फ्यू में चले जाएंगे, तो फिर हमारा ये घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। इसलिए और ज़्यादा किसी छूट की आशा या अपेक्षा करते हुए न किसी को छूट देनी है, न इस तरह का कोई काम करना है कि हम इससे प्रभावित हो जाएं। इसलिए जब तक हम थोड़ा सुरक्षित जोन में नहीं आ जाएं, हमें लगने लगे कि हमारे आसपास से कोरोना यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, हम सुरक्षित हैं, तो उस दिन हम सारी सुविधाएं ना शुरू कर दें। सही कहा आपने, सुरक्षित जोन में पहुँच जाए। उसके साथ में आपने एक मुद्दा और उठाया, वो ये कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान ये देखने की ज़रूरत है कि जो पीड़ित तबका है, कमज़ोर तबका है, मजदूर है, उसके अरेंजमेंट क्या करें। मैं एक मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूँ, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है मनासा का, वहाँ पनवाड़ी है, 250 पनवाड़ियाँ काम करती है, और जो खबरें हमारे पास आ रही है वो पान बर्बाद हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में फेंकने में जा रहा है, और एक पनवाड़ी का करीब 1000 रुपये रोज का पान वेस्ट हो रहा है, तो क्या ये मामला आपकी जानकारी में आया है, क्या सोचते हैं आप इस पर? मेरी जानकारी में सारी व्यवस्था है, बीच में मैंने कोशिश भी करी थी और पान के लिए मैंने पास भी बनवाए थे यहाँ से, लेकिन राजस्थान ने उनको क्रॉस नहीं होने दिया और उस गाड़ियों को वापस भेज दिया। उसके बाद से लगातार नुकसान बढ़ रहा है, पर मेरा एक मानना है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ये लागू कर रखा है कि पान की दुकानें बंद रहेंगी, तो फिर पान का मटेरियल भी क्यों जाना चाहिए? जब ओवरऑल पूरी दुकानें बंद कर रखी हैं तो फिर ये नुकसान हो रहा है, ये बात जरूर है, और सरकार को इनको मुआवजा देना चाहिए इस बात का कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से पनवाड़ी वाले लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतना बड़ा नुकसान सहन कर लें, उनकी मेहनत मिट्टी में जा रही है, मैं उनके पक्ष में हूँ, पर अभी जैसे कल की गाइडलाइन आई है उसमें पान की दुकानों को वापस छूट दी गई है कि पान की दुकानें खुलने दी जाए, अगर ये खुल जाती हैं तो निश्चित रूप से इनका पान का ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का लोकल प्रशासन मना नहीं कर रहा है, इसलिए उनके लिए सुविधा बहुत जल्दी मिल जाएगी कि इनका पान बाहर जाना चालू हो जाए। माधव भैया और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब पान का जिक्र निकला है तो मैं पान पे बात करूंगा। मध्य प्रदेश में माधव मारू का पान भी बहुत फेमस है और नीमच से भोपाल और दिल्ली तक इस पान की चर्चा होती है। मैंने भी कई बार आपके हाथ से पान खाया है। तो इस देश के अंदर एक पहले चर्चा होती थी स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की, जो पान खाया करते थे, उनके साथ भी मैंने पान खाया, ये सौभाग्य मिला मेरे को। तो आपके पान के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये पान अब तक देश में किन किन लोगों को खिला चुके हैं आप? पान मेरा शौक है, ये बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी पान मिठास का प्रतीक है, पान प्रेम का प्रतीक है, पान शौर्य का प्रतीक है। किसी को पान का बीड़ा भेंट करना बहुत बड़ी बात है, और ये सभी बड़े घरानों की परंपरा रही है पान पेश करना, और किसी भी बड़े घराने में पान घर परिवार के लोग खुद ही लगाते हैं, इसलिए पान की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है हमारे देश में, और ये मान लें कि मैं उसी परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ, मुझे अपने खुद को भी पान खाने का शौक। कई विधायकों ने मुझसे कहा माधव जी कि मनेसर में कई लोगों ने आपका पान खाया, और मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सरकार गिरी माधव मारू के पान से गिरी, ऐसा लोग मुझे फोन पे कहते हैं। तो क्या सही है मनेसर में लोगों ने पान खाया? मैंने लगभग सभी विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने हाथ से पान बना खिलाया, सादा पान खिलाता हूँ, और ऐसा खिलाता हूँ कि एक बार खा लें तो हमेशा याद रखते हैं कि माधव मारू के हाथ का पान खाना है। ये मेरा सौभाग्य है कि उन सब बड़े नेताओं ने मेरी बात रखी। माधव जी नाम बताएंगे कौन नेता थे जिनको आपने पान? सभी लगभग सभी बड़े नेता हैं, जिसमें आप माननीय शिवराज सिंह जी को ले लें, भले ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को ले लें, भले ही माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को लें, वी डी शर्मा जी, सुभाष जी भगत साहब, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जितने भी लीडर्स थे हमारे साथ और जितने वहाँ विधायक मेरे साथ में थे और जितनी महिला विधायक थी, उन सबको मैंने पान खिलाया वहाँ। और इसी बहाने सबसे मेरी व्यक्तिगत रूप से एक आत्मीयता भी बढ़ी और एक अच्छा वातावरण भी रहा उससे। तो जो पान इस समय जिसके लिए कहा जा रहा है, जो विधायक अक्सर मजाक करते हैं और कहते हैं कि माधव मारू के पान में कमलनाथ सरकार गिराई, वो पान मनासा के पनवाड़ी इस समय दुखी है, तो निश्चित तौर पर आप विधायक हैं तो उनकी मदद करेंगे, उनको मदद पहुंचाएंगे। निश्चित ही मान के चलना चाहिए कि मैं उनके लिए चिंतित हूँ और बहुत जल्दी उनके लिए रास्ता निकाल लिया जाएगा, क्योंकि चूंकि पान की दुकानों को अब छूट मिल गई तो उनके पान का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, तो उनका ये संकट दूर होगा, और अभी तक जितना नुकसान हुआ है
माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से बात करके और उनके नुकसान की कुछ भरपाई हम करवा पाए, मैं इसके लिए चर्चा निश्चित रूप से करूँ। माधव भैया, एक खास बात हो रही है, लॉकडाउन का 42वां दिन है, आप जागरूक और सक्रिय विधायक माने जाते हैं, इन 42 दिनों में कैसे निकले, आपने क्या किया 42 दिनों में, आपका क्या शेड्यूल रहा इन 42 दिनों का? 42 दिनों में मैं लगातार लोगों के लिए चिंता करता रहा, लगातार लोगों के बीच काम करता रहा। ये एक संयोग की बात है कि विधायक बनने के बाद मैंने मनासा के अस्पताल को सबसे पहले अपग्रेड किया और व्यवस्थित कराया। संयोग की बात है कि वो जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद ही कोरोना आ गया और उस हॉस्पिटल में अब समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ है उसका फ़ायदा क्या हुआ। दूसरा, वहाँ लोगों के भोजन की चिंता, हमने वहाँ एक भोजनशाला हमारे व्यापारी संघ के माध्यम से, मंडी व्यापारी संघ के माध्यम से चला रखी है, उसमें लगभग 1200 पैकेट रोज बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा एक ग्रुप काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों का और संघ के स्वयंसेवकों का उगड़ेश्वर में और रामपुरा में, और लगभग 2500 पैकेट हम हर रोज़ बांटते हैं भोजन के। इसके अलावा हर चौथे दिन लगभग 200 परिवारों को हम खाद्यान्न सामग्री पहुँचाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं और भी बहुत सारे मैनेजमेंट, जैसे मेरे क्षेत्र में 3 डैम अधूरे पड़े थे जिनको फॉरेस्ट की ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई थी और उसकी वजह से काम रुका हुआ था। रेवेन्यू से फॉरेस्ट को ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई, उसका एक दो दिन में हैंड ओवर हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि अपने अपने क्षेत्र में जो योजनाएँ शुरू होना है या कुछ विशेष योजनाएँ जिन पर आप काम चाहते हैं, शुरू करवाना चाहते हैं, तो आप कृपया उनके नाम दे दें मेरे को, तो मैं उन योजनाओं में मेरे क्षेत्र में बदाना पे पगारा डैम है, कुकड़ेश्वर का कालिया खो डैम है, हमारा गंगा बावड़ी काम अधूरा पड़ा था उसकी वजह से, फॉरेस्ट लैंड की वजह से, ये सब तीनों डैम का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे उस क्षेत्र में निश्चित रूप से कुकड़ेश्वर एरिया को बहुत लाभ मिलेगा, बदाना एरिया जो रामपुरा से ऊपर लगता है उसको बहुत लाभ मिलेगा, तो मैं उसमें भी बराबर लगा हुआ हूँ। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोगों को पास बनना होता है, किसी को बीमारी के संबंध में चाहिए, किसी को कहीं लाना है, कहीं जाना है, तो इन सब कामों में मैं निरंतर लगा रहता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ। और जैसा लोग चाहते हैं वैसी व्यवस्थाएं वहाँ चल रही है। मनासा में न तो प्रशासन की कोई दादागिरी है, न किसी की गुंडागिरी है, न किसी की तरह का कोई अन्याय अत्याचार है, वहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देता हूँ मैं। ये सब चिंता व्यापारियों की भी कर लेता हूँ। माधव मारू की दहाड़ जो है वो नीमच को साफ सुनाई पड़ती है, भोपाल तक सुनाई पड़ती है। जब मनासा में माधव मारू बोलते हैं तो उनकी आवाज़ जो है भोपाल के नक्कार खानों में पहुँचती है। और आपने विकास कार्यों की बात की माधव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस विधायकी कार्यकाल में कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ है, क्या खास काम आप करना चाहते हो अपने इस कार्यकाल में? मेरे क्षेत्र की सिंचाई योजना मेरी प्राथमिकता में है। उसके अलावा चुनाव में मेरी व्यक्तिगत घोषणा थी कि यहाँ पर एक दूध प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए मनासा में, तो दूध उत्पादकों को भाव पूरा मिल जाएगा और लोगों को एक अच्छी चीज़ हम दे पाएंगे, इसके लिए मेरा प्रयास। चूँकि सरकार नहीं थी और सरकार जो थी वो ऐसी निष्क्रिय थी कमलनाथ जी की कि उसमें कुछ करने का प्लान नहीं कर सके थे। अब चूँकि माननीय शिवराज सिंह जी बैठे हैं, वो तो किसानों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, आम आदमी को आगे बढ़ाने की योजना उनके पास है, तो अब इन योजनाओं पर काम हो पाएगा। उसके अलावा जो मनासा की गौशाला है, गोवर्धन गौशाला, वहाँ 5000 गायों के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है। पर वही बात है कि पहले काम करने की स्थिति नहीं थी क्योंकि उस सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, सोच नहीं था। आज जो सरकार बैठी है उसके पास सोच भी है, व्यवस्थाएं हैं, एफर्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से वो 5000 गायों के लिए सेल्फ सर्वाइव, जो गौशाला अपना खर्च खुद चला ले और ऐसी गायें रखें जो सिर्फ दूध उत्पादन काम नहीं चाहिए, जो गायें ऐसी हैं जो आवारा छोड़ रखा है, जिनको लोगों ने उनको आवारा बना दिया, जिनको बेघरवार कर दिया, उन गायों को हम वहाँ पालेंगे और वो गायें अपना खर्च खुद चला लें। इस हिसाब से एक पूरा प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया हुआ है ताकि उसमें रोज़ रोज़ सरकारी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा तो, और वो अपना खर्चा खुद चलाएंगी, मैंने ऐसा प्लान किया हुआ है। तो इसी तरह का रामपुरा क्षेत्र के लिए कुछ इंडस्ट्रीज मैंने प्लान कर रखी हैं, अगर वहाँ इंडस्ट्री डल जाती हैं 2-3-4 बड़ी इंडस्ट्री, तो रामपुरा एरिया का पूरा नक्शा बदल जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होगा और वहाँ व्यवसाय बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ठीक होगा। रामपुरा का हक भी है, जिनने इतना कुछ खोया कि पहले
स्टेट के ज़माने में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, सबसे बड़ा एजुकेशन हब हुआ करता था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जितने मध्य प्रदेश के बड़े लीडर्स हैं वो सब रामपुरा से पढ़ के निकले हैं, क्योंकि उज्जैन के बाद सिर्फ रामपुरा ही कॉलेज था, रामपुरा ही सारी व्यवस्थाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था। बड़ी बात बोली आपने। तो रामपुरा का एक बार हम जीर्णोद्धार करेंगे तो मनासा तहसील का सबसे बड़ा गाँव है और उसका हक भी है। मालविया, ये एक बात, अभी जब बारिश के समय जब रिंग वॉल टूटी थी और वो काफ़ी इशू बड़ा बना था, और ये कहा गया था कि गांधी सागर डैम में चूँकि 50 साल हो गए उसको बने हुए और उसको उसके अंदर मिट्टी भी भर गई है, प्रेशर पानी का बहुत है, तो ये रिंग वॉल का एक खतरा भी बना हुआ है। और उसमें सेंट्रल की एजेंसी ने जब पहले जाँच पड़ताल की थी तब उसने ये निर्देश दिए थे कि इसके गेट जल्दी खोल दिए जाए ताकि ये प्रेशर कम रहे, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का, तो क्या इस पर भी आप कुछ सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कल ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुला के इस पर चर्चा भी करी थी। अभी इस बारिश में उसका लेवल 10 फीट से 10-11 फीट से ऊपर मेंटेन नहीं किया जाएगा, 1311 तो 1313 का लेवल ले जाते हैं लोग, लेकिन इस बार लेवल शुरू से ही मेंटेन किया जाएगा, उसका लेवल नीचे ही रखा जाएगा, तो रिंग वाल पर कोई लोड नहीं आने वाला है, इसलिए इतनी तकलीफ आज तो नहीं है। और रिंग वाल को हम 28 फीट के लेवल पे ले जाने का प्लान किया है हमने, उसका प्रोजेक्ट बना के भेज दिया, ऐसी इसके यहाँ पेंडिंग है, मैं अभी भोपाल जाऊँगा तो बात करके उसको क्लियर करवा लूँगा। तो ये जो अभी रिंग वाल है ये भी 18 फीट के लेवल पे, इसको हम 28 फीट के लेवल पे ले जाएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे ताकि ये इंटेक्ट हो जाएगी और उसके बाद कभी भी हमारे को इस तरह की दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा हमने प्लान कर रखा है। माधवभैया, मनासा की जनता को मारू परिवार से काफ़ी उम्मीदें थी और लंबा इंतज़ार करना पड़ा उस घर से कोई विधायक बने, और जब आप विधायक बने तो मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं थी, लेकिन इस 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल में आप सर्वाधिक चर्चा में उस दिन आए जिस दिन आपने ये मुद्दा उठाया अफीम किसानों का, और ये कहा कि मार्फिन परसेंटेज 4.5 की जगह मैं चाहता हूं कि 3.5 कर देना चाहिए, किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए, और आपने दिल्ली तक आवाज़ उठाई, चिट्ठी भी लिखी। तो इस बार फिर अभी ओफियम पॉलिसी आएगी, फिर खेती होगी, फिर वही प्रोसीजर चलेगा, तो क्या सोचते हैं आप, इसके लिए कोई प्लान आपने बनाया है कि किस तरह अफीम किसानों की मदद की जाए? दूसरा एक बड़ी बात जो मैं जानना चाहूँगा, प्रदेश सरकार में और डोडा चूरा इस समय किसानों के घर में रखा हुआ है, पुरानी शिवराज जी की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि 100 रुपये किलो में हम खरीदेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वो पिछले 3 साल में कभी ना ख़रीदा गया ना जलाया गया, तो इस बार क्या सोचते हैं डोडा चूरा और अफीम को लेकर कोई एक्शन प्लान आपके दिमाग में? क्योंकि मालवा का अफीम किसान मानव मारो को काफ़ी पसंद करता है, इन मुद्दों को उठाते रहे आप, इसलिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये मुद्दा अफीम का मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे परिवार में शुरू से चला रहा है, दादा ने भी उस समय सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी अफीम किसानों की, जो 43 की औसत वाला मैटर था जब बढ़ाई गई थी औसत और उसको वापस 40 पे लेके आए थे, तो आज भी वो सारे पट्टे कायम हैं, वही लड़ाई आगे भी जारी है। निश्चित रूप से अभी भी जब लोगों को खेत हाँकना थे, जिनको नहीं अफीम उखाड़ना थी, उन लोगों के लिए भी हमने बात करी उस, और 4 दिन बाद आदेश आ गए, वो काम हो गया। फिर तोल वाली बात आई कि माल सूख रहा है घरों में, हमने उसके लिए प्रयास किए तो वो भी आदेश आ गए, तोल चालू होने वाला है, सारी व्यवस्थाएँ शुरू हो गई। अफीम किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा मेरा पारिवारिक मुद्दा मानता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसके लिए लगातार लड़ते रहे, आदरणीय दादा राजेश रामेश्वर जी मारू, और मैं भी किसानों की पूरी मदद करने के पक्ष में हूँ, हम भी लड़ते रहे, आप भी रहे, मुस्तफा भाई लगातार उनके हर लड़ाई में आप साथ थे और आपने खूब साथ दिया उस समय उनका, निश्चित रूप से आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपने उस समय सहयोग किया, दादा के सहयोग के हैसियत से काम किया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अफीम किसानों के अकारण पट्टे नहीं कटे, क्योंकि मार्फिन पैदा करना उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में अफीम पैदा करना है, जो चीज़ वो पैदा ही नहीं कर सकता, कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते, कंटेंट जो प्रकृति लाएगी वही कंटेंट आएंगे, तो कंटेंट कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए कंटेंट को बेस बना के अगर किसान का नुकसान होता है तो हम नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें निश्चित रूप से कुछ नई पॉलिसी बनेगी अगर ऐसा हुआ कि उस कंटेंट की वजह से लोगों के पट्टे कट रहे हैं, तो हम चर्चा करेंगे उसमें।
माधविया, इस समय मध्य प्रदेश के अंदर एक खास वक्त है जब कोरोना विदाई की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे बुरा वक्त टलता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह जी पे बड़ी जवाबदारी है, मंत्रिमंडल का गठन करना है, उसके बाद उपचुनाव को बीजेपी को फेस करना है। मुझे मालूम है आप शिवराज जी के चाहते हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के चाहते हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि ये जो सिंधिया समर्थकों की जो टीम भारतीय जनता पार्टी में आई है, 206 विधायक है, 28 से 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 5 का मिनी कैबिनेट बन गया है और विस्तार की तरफ शिवराज जी नज़र दौड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि उन पर भारी दबाव है, कैसे लोगों को समावेश करेंगे, कैसे मंत्रिमंडल बनेगा, इस तरह की स्थितियाँ पार्टी में नहीं दिखती आपको? मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, सरकार सक्षम हाथों में है और इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि जितने मंत्री पहले थे लगभग हमारे 14 मंत्री विधानसभा में नहीं आए पाए जीत के, तो स्थान तो हमारे पास खाली है। जितने लोग बाकी अन्य मंत्री थे वो सब मंत्री बन जाएंगे, उसके अलावा सिंधिया जी के लोगों को अवसर देना है, तो जो भी पार्टी तय करेगी, जो सिंधिया जी और आपस में बैठ के तय करेंगे वैसे होगा। हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 10 मंत्री उस ग्रुप से बनना चाहिए, जो लोग अभी आए हैं, जो मंत्रिमंडल छोड़ के आए उन सबको मंत्री बनना चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं और उनके साथ भी बराबर सहयोगात्मक रवैया हर हाल में रहना चाहिए पार्टी का, क्योंकि उनने हमारे लिए ये त्याग किया, निश्चित रूप से उनका हक भी है। तो लगभग 10 सीटें बन जाती तो 14 लोग आ रहे हैं और 5 लोग हम और बना सकते हैं मंत्री, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई कंट्रोवर्सी कहीं नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है माधविया, कब तक मध्य प्रदेश 2-4 दिन में मध्य प्रदेश का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा है, निश्चित रूप से शिवराज जी अकेले पड़ रहे हैं और अकेले पूरा प्रदेश संभालना, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनता है, इतने लोग हैं, तो हर एक तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल है, तो उनके क्षेत्र सभी क्षेत्र में होना चाहिए, इसलिए मंत्रिमंडल का जल्दी गठन होगा, अच्छा गठन होगा और निश्चित रूप से कहीं भी ऐसा कोई मारामारी नहीं है, कहीं ऐसा असंतोष नहीं है, कहीं ऐसा आक्रोश नहीं है कि मुझे मंत्री बनाया जाए या इसको नहीं बनाया जाए या उसको बनाया जाए, ऐसी मांग कहीं नहीं है, न कार्यकर्ताओं की है, न नेताओं की, न विधायकों की है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। एक सवाल और है माधवी आपसे कि क्या कोरोना संकट के बाद और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ऐसी सूचनाएं आ रही है कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी नीमच मंदसौर में देखने को मिल सकती है, और आप विधायक के फ्रंट लाइन के क्या कहेंगे आप इसमें? एक बात मान के चलना कि जिस तरह की सर्जरी प्रशासन में कांग्रेस के समय पे हुई वो सर्जरी नहीं थी, पैसे लेके लोगों के आर्गान से इधर से उधर फिट कर दिए गए थे, मुझे तो यही लगा था उस समय कि सबसे पैसे वसूल के और इसका हार्ट किसी को फिट कर दिया, किसी का लीवर किसी को फिट कर दिया, यही काम चला था उस टाइम, इस तरह की सर्जरी हुई थी, और ये सर्जरी अगर होनी है तो इस तरह की नहीं होगी और इस लेवल पे नहीं होगी कभी भी, क्योंकि प्रशासन तो यही रहेगा, कहीं भी काम करना है इस प्रशासन को, तो फिर हम यही अच्छी तरीके से काम इनसे लें, अगर कोई काम नहीं करता है तो वो फिर आगे की बात है, लेकिन जब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब सहयोगात्मक रवैये के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा सर्जरी होनी है, बहुत अत्यावश्यक होगी वो सर्जरी ज़रूर होना चाहिए, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, इसके तो पक्ष में भी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस तरह के पैटर्न पर कोई काम होने वाला है। माधविया, 42वां दिन है लॉकडाउन का, आगे भी जैसा कि आपने बताया कि दुर्घटना से सुरक्षा बली, हम लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, ऐसी स्थिति में आप नीमच जिले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नीमच जिले की जनता से मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा, हम खुद को बचाएं, हम दूसरों की चिंता नहीं करें, हो ये रहा है कि दूसरों की चिंता कर रहे हैं और खुद की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं कर रहे हैं, बड़े आराम से लोग घूमने निकल जाते हैं बाजारों में, बड़े आराम से शाम को टहलने निकल जाते हैं, आप लोग खुद की चिंता करें, घर में रहने का एक अवसर मिला है, जीवन में कभी आपको ये अवसर नहीं मिला हुआ कि अपने परिवार के साथ आप 24 घंटे भी रहे हों, एक अवसर मिला है अपने परिवार से प्रेम बढ़ाने का, अपने परिवार से इंटीमेसी बढ़ाने का, आप अपने परिवार में एंजॉय करें इस समय को, आप ये मान के चलें कि इस कोरोना महामारी के बहाने एक अवसर दिया भगवान ने आपको अपने परिवार के साथ रहने का, तो अपने परिवार में रहें,
टाइम पास नहीं हो रहा है, तो जितने अपने मित्र हैं, पुराने हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे 30-30 साल से आपने बात नहीं की होगी, उन सबको ढूंढ ढूंढ के उनको फ़ोन करें, उनसे बातें करें, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि नहीं हमारे संबंध ताजा हुए। अभी वो समय है, असल में सोशल डिस्टेंसिंग का समय नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का समय है। सोशल तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड ही गलत है मेरे हिसाब से, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग होती है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है, मैं अपने वालों से अगर दूर से खड़े रहकर बात करता हूँ तो मेरी सोशियोलॉजी तो है ही अपनी जगह। इसलिए सामाजिकता को हम नहीं छोड़ें, हम भौतिक रूप से दूर रहें, ये अरेंजमेंट करें, तो घर बैठे आप लोगों से चर्चा करें, उन लोगों को फ़ोन करें जिनसे कभी बात नहीं हुई आपकी, उनको एक घंटी भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी, सामने वाले को तो हज़ार गुना प्रसन्नता होगी कि कितने दिनों बाद मुझे याद किया, उसके हाल पूछे, उनके परिवार के हाल पूछे। निश्चित रूप से आपका समय भी पास होगा और आपको धीरे धीरे आदत में भी आ जाएगा। तो लॉकडाउन को हम हैबिट बनाएं, मास्क को अपने डेली ड्रेस का हिस्सा बनाएं कि हम फेस कवर हमेशा करके रखेंगे, हमेशा मास्क लगा के रखें, हमेशा कोशिश करें ग्लव्स में रखें रखें, हो सकता है कुछ तकलीफ हो थोड़ी बहुत, लेकिन हम इसको आदत में बनाएं और इसको फैशन में ले आएं जहाँ तक हो सके, ताकि वो हमेशा आपकी ड्रेस का हिस्सा ही बन जाए कि मेरे को मास्क लगाना है। ये सोशल डिस्टेंस, ये आपकी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है आपको लगातार मेंटेन करना पड़ेगी, जब तक देश दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं बन जाएगा, जब तक दुनिया में कोई इसकी दवा नहीं बन जाएगी, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, ये दुनिया सुरक्षित नहीं है, वायरस कभी नहीं जाता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हम चीज़ों को अपनी आदत में डाल लें, मेरा यही निवेदन है सबसे। ये थे मनासा के जांबाज विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और दुर्घटना से सुरक्षा मिले। वे आज हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, 42 दिन के लॉकडाउन पर बात की, और सबसे खास बात है कि जिस पान का जिक्र मध्य प्रदेश में होता है उस पान पे उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि जो मनासा, भुवनेश्वर और पड़ोदा के पनवाड़ी हैं उसकी उनको चिंता है, उनके मुआवजे के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 42 दिन का जो लॉकडाउन का समय है उसका वे सदुपयोग कर रहे हैं, और जो आने वाले समय में जो बड़ी शासकीय योजना है वो लाना चाहते हैं, उसका पेपर वर्क चल रहा है, निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल का गठन, और जब कोरोना संकट टल जाएगा और सरकार रूटीन में काम करेगी तो उनका ये वादा है कि मनासा क्षेत्र में कई बड़े काम आम लोगों को दिखेंगे। मेरे सहयोगी दीपक खतरिया के साथ नवीन पटेदार।